जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र गुरुजी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है धनपाल से धर्मपाल। एक धनपाल नाम का वैश्य था, विपन्नता ने उसे धर दबोचा। नाम तो धनपाल किंतु था फटेहाल। नाम उसके जीवन में एक तीखा व्यंग था, और धनपाल केवल निर्धन ही हो सो नहीं, निसंतान भी था, अर्थात दुबले और अषाढ़ वाली कहावत के जीते जागते प्रतीक थे। इन दोनों दुश्चिंताओं ने उनके जीवन के मधुर रस को सोख लिया था। कभी कभी नन्हे मुन्ने ही अपने गम को भुलाने में सहयोगी हो जाते हैं, लेकिन वह भी उनके भाग्य में नहीं था। समय गुजरता गया। एक दिन परम उपकारी, उदार चित्र, निष्पर्श ही संत चंद कीर्ति और मही कीर्ति नामक के दिगंबर मुनिराज का आगमन हुआ। नगर में मुनिराज का आगमन जान धनपाल भी दर्शनार्थ पहुंचा और नमस्कार कर शांत भाव से बैठ गया। दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक धर्म उपदेश देने की प्रार्थना की। विशेष ज्ञानी मुनि हृदय ने उसके अंतरंग को पढ़ लिया और श्री भक्तांबर जी स्त्रोत के आठवें काफ का शुद्धि मंत्र के साथ विधि पूर्वक व्याख्यान किया, जिससे धनपाल की आठवें काव्य पर प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई। यद्यपि जन्म से जैन होने से भक्तांबर उसे मौखिक रटा था, लेकिन तब तक वह मात्र शब्द तीर्थ था। आज मुनि हृदय की अनुशंसा से शब्दों की कब्रें खोद खोद कर विज्ञान ज्योति के दर्शन हुए, और एक दिन परेकासन में ध्यानरत धनपाल सृष्टि को उपयुक्त मंत्र की अधिष्ठाती महिमा देवी ने दर्शन दिए। विनीति स्वर में बोली, तुम्हारी दोनों चिंताओं को मैं भली भांति जानती हूँ, क्योंकि तुमने निष्काम भाव से श्रद्धा के वशीभूत होकर इस पवित्र काव्य का पाठ किया है, अतः मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। यदि किसी कामना को लेकर तुम मंत्राधन करते तो कदाचित मेरा आना असंभव हो जाता। अस्तु कहो, दो में से कोई एक चिंता मैं समाधान कर सकती हूँ। धन और संतान दोनों में से किसे चुनूं? धर्मपाल इस सोच में पड़ गया, फिर बेचारा कि निसंतान मांगी और धन नहीं रहा तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा, फिर संतान कुसंतान निकली तो जीवन दुखों का बगीचा बन जाएगा, अतः धन मांगना ही श्रेष्ठ है, जिससे मैं खूब दान धर्म कर सकूं और प्रभाव को सुधार सकूं। अतः धनपाल ने धन मांग लिया। अब धनपाल मात्र नाम से ही नहीं अपितु वास्तव में धनपाल हो गया। धनपाल ने यह धन भगवान जिनेंद्र के भव्य चैतालय के निर्माण हेतु दान करना प्रारंभ कर दिया। वह सोचने लगा, यह धन तो मुझे मुनिराज की अनुकंपा और भगवान जिनेंद्र की भक्ति से प्राप्त हुआ है, अतः इसका उपयोग मैं नहीं करूँगा। परिणाम यह हुआ कि उसके स्वभाव से उसका व्यापार भी अच्छा चल निकला और वह धनपाल से धर्मपाल भी बन गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, शिक्षा की जड़ें
कड़वी जरूर हैं, लेकिन फल मीठे हैं।